So we have discussed the pleading, objective of pleading. We have discussed what are the all objective of pleading. Now we will start our order 6. So order 6 rule 2 is basically order 6 rule 1. मतलब pleading का मतलब क्या है? This is basically what I have already discussed. Order 6 rule 1. Order 6 rule 1 इज अ मीनिंग ऑफ प्लीडिंग. मैंने अपने पूरा प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है. ऑलरेडी भी डिस्कस था ऑर्डर ऑर्डर 6 रूल 1. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लीडिंग. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लीडिंग में क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग वॉज एक्सप्लेन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन अ फेमस केस लॉ, गणेश ट्रेडिंग कंपनी वर्सेज मोतीराम के केस में, कि जो सामने वाली पार्टी है वो सरप्राइज ना हो उसमें. इसलिए जो प्लीडिंग है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हमें हर किसी साइड को, जब चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, उसको पता होना चाहिए. सो ही शुड नॉट गेट सरप्राइज. सो दैट इज़ द वन बेसिक पर्पज ऑफ प्लीडिंग. अनदर पर्पज इज जो इशू फ्रेम करते हैं, जस्ट जो इशू है उसको डिटरमाइन करने में, जस्ट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. हमारी प्लीडिंग या ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जस्ट आपको इशू को डिटरमाइन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. और इससे काफ़ी सारा एक्सपेंसेस जो अदरवाइज कॉस्ट होती है वो बच जाती है प्लीडिंग के माध्यम से. इशू को समझने में काफ़ी क्लैरिटी होती है, समझ में आता है कि इशू क्या है. अब जैसा कि मैंने कहा ही है कि कोई भी सिविल सूट जब स्टार्ट होता है तो कॉज ऑफ एक्शन है. कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हुआ किसी के राइट, प्रॉपर्टी के राइट में आपने किसी के राइट का हनन किया या किसी का राइट, तो उसकी जगह वो एक प्लेंट जो भी फैक्ट इन इशू है उस फैक्ट इन इशू को लिखेगा, इशू को प्लेंट में लिखेगा, जिससे कि वजह से उस इशू पे अब आर्ग्यूमेंट होगी तो जस्ट आपको इजी हो समझने में. इसलिए जो उसमें फैक्ट इन इशू होता है काफ़ी कोर्ट को डिटरमाइन करने में इशू को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है. तो ये हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लीडिंग के बारे में डिस्कस किया है. नाउ ऑर्डर 6 रूल 2, दैट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ प्लीडिंग. दैट इज़ ऑलरेडी आई हैव डिस्कस. दैट इज़ लाइक अ प्लीडिंग वाइल ड्राफ्टिंग इन जनरल. इसमें क्या प्लीडिंग में हमें देखना चाहिए, प्लीडिंग को ड्राफ्ट करते वक्त जैसा कि मैंने पहले बताया कि इट शुड बी फैक्टा प्रोबेंडा, यानी कि हर प्लीडिंग में केवल मटेरियल फैक्ट्स की बात होनी चाहिए. और कस्टम अगर कोई है तो उस कस्टम में और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बारे में बात है तो उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए प्लीडिंग में. लेकिन हमें जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है इससे बचना चाहिए प्लीडिंग में. तो ये सिंपल सिंपल है. मैं ए वन लाइनर ही डेफिनेशन बता रहा हूँ और डिट्टो में मैं यहाँ से पढ़ पढ़ के नहीं बताने में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि वो आप ऑलरेडी पढ़ लोगे नोट्स जो भी है. लेकिन यहाँ पे ऑर्डर 6 रूल 2 जो है फंडामेंटल ऑफ प्लीडिंग की बात करता है. ऑर्डर 6 रूल 1 जो है वो बेसिक्स प्लीडिंग की बात करता है. प्लीडिंग का मतलब क्या है उसके बारे में बात करता है. देखो सिंपल सा है. ऑर्डर 6 रूल 1 प्लीडिंग के बारे में बात करता है. प्लीडिंग है क्या, व्हाट इज प्लीडिंग. रूल 2 बात करता है फंडामेंटल्स ऑफ प्लीडिंग के बारे में. फंडामेंटल ऑफ प्लीडिंग में क्या क्या बातें हो सकती हैं. तो इसको वन लाइनर याद रखना है तो ओनली फैक्टा प्रोविंडा होनी चाहिए, फैक्टा प्रोविंसिया नहीं होनी चाहिए. फैक्टा प्रोविंडा होने चाहिए. फैक्टा प्रोविंडा मतलब मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए. एंड फैक्टा प्रोविंसिया नहीं होना चाहिए मतलब कि एविडेंशियरी नहीं होना चाहिए. इसमें एविडेंस को प्लीडिंग में एविडेंस इंक्लूड एविडेंस नहीं होने चाहिए. एविडेंस एविडेंस को इंक्लूड नहीं करना चाहिए. तो फंडामेंटल ऑफ प्लीडिंग में वन लाइनर डेफिनेशन फैक्टा प्रोबेंडा होना चाहिए, फैक्टा प्रोबेंसिया नहीं होना चाहिए. फैक्टा प्रोबेंडा होना चाहिए से मतलब है, अगर मैंने कहा फैक्टा प्रोबेंडा होना चाहिए मतलब कि अब आपका दिमाग जाना चाहिए मटेरियल फैक्ट्स पे, कि मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए उसमें. तो मटेरियल फैक्ट्स पे आया तो कौन से फैक्ट होने चाहिए, क्या हम कौन कौन से फैक्ट इंक्लूड कर सकते हैं, क्या हम किसी लॉ को जो लॉ इन क्वेश्चन है उसको इंक्लूड कर सकते हैं. तो लॉ इन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो भी सूट में अराइज होते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड, तो उसको आपको प्लीडिंग में नहीं डालना चाहिए. वो जज साहब के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो अपने विवेक से तय करेंगे ये चीज़. लेकिन आपको क्या चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए, अगर कोई कस्टम है, कोई कस्टम फॉलो हो रहा है, तो आपको उसको प्लीडिंग में डिफाइन करना चाहिए. तो फैक्टा प्रोबेंडा में मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए, कोई कस्टम है तो उसको आपको डिफाइन करना चाहिए अपनी प्लीडिंग में, और क्वेश्चन ऑफ लॉ को से बचना चाहिए. क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो उसको हमें अपनी प्लीडिंग में डिफाइन नहीं करना है. फैक्टा
फैक्टा प्रोवेंडा मतलब मटेरियल फैक्ट्स, फैक्टा प्रोवेंडा होना चाहिए, दैट इज अ गोल्डन रूल ऑफ प्लीडिंग। फैक्टा प्रोवेंसिया यानी कि एविडेंसरी नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने एक क्लेस लॉ बताया था वीरेंद्र नाथ वर्सेज सतपाल सिंह, वीरेंद्र नाथ वर्सेज सतपाल सिंह में इसमें बताया गया है कि प्लीडिंग शुड कंटेन फैक्टा प्रोवेंडा नॉट फैक्टा प्रोवेंसिया। तो वीरेंद्र नाथ वर्सेज सतपाल सिंह इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद है ऑर्डर 6 रूल 3, इसमें फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग के बारे में बात की गई है। फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग मैंने पहले बताया कि अपेंडिक्स ए, अगर आपको प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग अच्छी करनी है, बहुत से लोग बहुत सी प्रॉब्लम में आते हैं, कई जगह जाते हैं, कई जगह घूमते रहते हैं, पूरे पूरे साल कोर्ट कचहरी बिता देते हैं कि ये एप्लीकेशन ले लो, वो एप्लीकेशन ले लो। देखो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आपको वो प्रैक्टिस तो जरूरी है ही जो आप कर रहे हो, लेकिन वहाँ आप जाते ही प्रोडक्टिव बनो, और प्रोडक्टिव बनने के लिए जब अपने लॉ के दौरान, जब भी आप अपनी लॉ कर रहे हो या लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, उस दौरान आपको ये अपेंडिक्स में जितने भी फॉर्म्स दे रखे हैं प्लीडिंग से रिलेटेड, वो सारे फॉर्म, एक एक फॉर्म आपको 10-10 बार लिखना है। कैसे लिखना है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक हमें A4 साइज का पेपर लेना है, क्योंकि कोर्ट वाला पेपर थोड़ा बड़ा होता है, तो अगर वो ले सकते तो और अच्छी बात है। उसको हमें यहाँ से और यहाँ से फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करने के बाद उसको ओपन करके हमें यहाँ से लिखना शुरू करना है। तो अगर आप, ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि कोई भी फुट नोट होता है, कुछ भी होता है, वो यहाँ साइड में लिखने के लिए जगह छोड़ी जाती है। फिर यहाँ पे आपको इन फॉर्म्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इन फॉर्म्स की अच्छे से एक एक फॉर्म की 5-5, 10-10 बार प्रैक्टिस की है, तो अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा तो आपके लिए नई चीज़ नहीं होगी, आपको एप्लीकेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा कि आपको फॉर्म्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको ड्राफ्टिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, और इनिशियल लाइन एडवोकेट में आपको इनिशियल 2-3 साल ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से करनी है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है, नहीं यार जाके कोर्ट में क्यों टाइम बर्बाद करना, क्यों 2-2, 3-3 पूरा पूरा दिन जाना वहाँ पे प्रैक्टिस करना, क्यों टाइम खराब करना। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लॉ फील्ड में सीरियस हो तो आपको कोर्ट में भी सीरियस होना पड़ेगा। और अब तो रूल ऐसे आ गए हैं कि आपको प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और इससे रिलेटेड मैंने एज का भी बताया था कि कई साल जो प्रैक्टिस करते करते, जो क्योंकि काफ़ी काम ज़्यादा होता है, पढ़ाई पे ध्यान कम रह पाता है, और उतनी ज़्यादा चीज़ें, इतने वर्क के बाद इतना लेबर कम हो पाता है, तो लोगों को इतनी, जो ऑलरेडी लॉयर्स हैं प्रैक्टिस में, उन बेचारों को समय नहीं मिलता है इस वजह, अदरवाइज वो उनको उनकी नॉलेज, उनका जिस तरह से फॉर्मेट है, उनकी जो फॉर्म लिखने की काबिलियत है वो बहुत अच्छी है। जिसने प्लेडिंग और ड्राफ्टिंग अच्छी लिख ली, उसके लिए कुछ कठिन नहीं है, ये ऑर्डर वाडर याद करना, सेक्शन रटना, उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिकॉज दे आर इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो वो अपने प्रोफेशन के प्रति लॉयल हैं, ईमानदार हैं, और उनको समय नहीं मिल पाता है। इसीलिए मेरा ये एक कंसर्न था कि एज फैक्टर जो इन्होंने अब एज के बारे में चाह करी है कि 32 साल की उम्र तक जुडिशरी का एग्ज़ाम, 35 साल जुडिशरी मतलब जज का एग्ज़ाम तो 40 साल तक होना चाहिए, 40 साल की उम्र तक, क्योंकि 30 या 32 तो आराम से, 30 साल तो आराम से लग ही जाता है अगर आप प्रैक्टिस में हैं, 30 ईयर्स आ जाते हैं बड़े जल्दी, और उसके बाद 2 साल भी अगर आपको मिल पाता है, क्योंकि फाइनेंशियली भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, जो थोड़े फाइनेंशियली वीक हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनका फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं निकला और वो लॉ इन प्रैक्टिस हैं, तो फिर वो दिक्कत में आ जाए, फिर उनको वही प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको या तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, या तो लॉ फील्ड से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और एकदम डेडिकेटेड वे में तैयारी करनी पड़ती है, और कई बार तैयारी करने के बाद भी इन प्रैक्टिकल चीज़ों का उसके अंदर अभाव रह जाता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कि कम से कम जो जुडिशरी की एज है वो 40 साल होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि जो एडवोकेट्स हैं उनको भी समय मिल सके प्रॉपर तैयारी करने का, और वो अच्छी अच्छी क्वालिटी जो है, ऐसी क्वालिटी आए जो न्याय के लिए किसी से ना झुके, चाहे वो सरकार हो या अगेंस्ट सरकार हो, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने में एक अधिवक्ता पूरी तरह से समर्थ होना चाहिए, तो उसको उतनी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए, और उससे उस डिसीजन में, जो डिसीजन पोजीशन पे जो व्यक्ति बैठा हो उसके पास भी इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी तरीके से, किसी भी धन बल, किसी भी तरीके से दबने के,
सिचुएशन में ना रहे, तो वो मेच्योरिटी एक एज के साथ ही आ पाती है, और उस मेच्योरिटी में आने के लिए, उतनी तैयारी के लिए जब व्यक्ति उतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर लेता है, इतनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है उसकी, तो फिर उसको कोई डर नहीं रहता है। तो यही एक मेरा आर्गुमेंट का पॉइंट है, सॉरी मतलब थोड़ा सा डिस्कशन से हट के है, अपनी क्लास से हट के, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि एज जो है उस एज पे सीधा सीधा क्वेश्चन, क्योंकि जो IAS PCS की जो एज है वो तो ठीक है, चलो 32 वर्ष, क्योंकि भाई उसके बाद उनको प्रशासनिक अनुभव चाहिए होता है, और वो सब जाके उनको सिविल में जब वो सर्विस में होते तभी मिल पाता है। लेकिन जो एडवोकेटरी लाइन है, एडवोकेट की लाइन है, उसे सीधा जजमेंट देना होता है जज बनने के बाद, तो उसको अनुभव होने के साथ साथ, वकालत में अनुभव होने के साथ साथ, और ये तभी आ पाता है जब आप अनुभव के साथ साथ, अगर जो फाइनेंशियल क्राइसिस होती है बंदे के साथ, तो वो भी होती हैं 22-23 साल की उम्र में, वो करियर स्टार्ट करता है पढ़ाई से छोड़ करके, अब ये जॉब में इंटर करता है, ये जो एडवोकेट लाइन में इंटर करता है, फिर 8-10 साल 12 साल कब निकल जाते हैं उसको पता नहीं चलता है, काफ़ी बिजी प्रोफेशन होता है, क्लाइंट की एक एक बात को सुन के उसको ड्राफ्ट करना होता है, आर्गुमेंट कैसे करनी होती है, उसी में पूरा समय निकल जाता है, पढ़ाई के लिए थोड़ा थोड़ा समय दे पाता है। इसलिए अगर इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होगा कि एज में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो काफ़ी अच्छे और काफ़ी क्वालिटी लायर्स भी, जजेस जो हैं, जुडिशरी के एग्ज़ाम को क्रैक करने में सक्षम हो पाएंगे। सो हम बैक टू अवर टॉपिक, Order 6 Rule 3 फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है आपसे, अपेंडिक्स ए में जितने भी ड्राफ्टिंग के फॉर्म दे रखे हैं, प्लीज़ 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 इन्हें एक बार 10 बार इनको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आज का यही एक ज्ञान है कि आपको Order 6 Rule 3 में फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है इस रूल को, और आपको प्रैक्टिस करनी है ड्राफ्टिंग की। प्रैक्टिस आप जितनी अच्छी करेंगे, इसको आप जितना अच्छे से देखेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी ड्राफ्टिंग होगी। अब इसमें यह है, इसमें इसी पे एक बताए, प्लीडिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड लिबरली। मदन गोपाल वर्सेज मामराज मनीराम का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि प्लीडिंग जो है उसमें, मेरी मेरी स्लाइड में कुछ दिक्कत है, मैं हाँ अब ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कोर्ट शुड नॉट स्क्रूटनाइज प्लीडिंग, मतलब जेन इतना ज़्यादा कोर्ट को स्क्रूटनाइज नहीं करना चाहिए कि उसका प्लीडिंग का जो जेन्यून मीनिंग हो वो भी खत्म हो जाए। तो मदन गोपाल वर्सेज मामराज मनीराम इनका केस है, ये केस लॉ भी याद रखिए, जुडिशरी से रिलेटेड भी पॉइंट मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ, और जितने भी केस लॉ बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और यही घूम फिर के दोबारा आएंगे। तो अपने नोट्स में अगर कहीं भी अगर एक्स्ट्रा होते हैं तो आप कमेंट में बताइए कि ये भी हो सकता है, ताकि डिस्कशन एक तरह से ओपन हो और लोगों को इसकी नॉलेज मिले कि नहीं हाँ ये भी केस लॉ इंक्लूड हो सकता है, ये भी केस लॉ इंक्लूड हो सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट हो हम सारे नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स हैं, Order 6 Rule 4 कह रहा है पर्टिकुलर्स टू बी गिवेन वेयर नेसेसरी, जहाँ पर भी ज़रूरत हो वहाँ पे पर्टिकुलर्स देने चाहिए। पर्टिकुलर्स जो है जो प्लीडिंग पार्टीज हैं उनको पर्टिकुलर्स, जो भी मतलब पर्टिकुलर्स हैं वो देने चाहिए जहाँ कहीं पर भी उनकी ज़रूरत हो, जैसे कि कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ का हुआ है, तो कैसे हुआ है उस रिप्रेजेंटेशन में, क्या क्या फैक्ट है आपके पास, क्या पर्टिकुलर सबूत है उसका, तो कैसे ये पर्टिकुलर्स है कि कैसे फ्रॉड हुआ, कैसे पता चलेगा, जैसे कि कोई अकाउंट है, अकाउंट में कोई मिस ट्रांजेक्शन हुआ, या NRI एक्ट के तहत कोई फ्रॉड हो गया, आपका चेक बाउंस का केस है, तो क्या पर्टिकुलर हो सकता है उसमें, चेक बाउंस में एक पर्टिकुलर ये हो सकता है ना कि चेक नंबर ये है, बैंक में इस डेट को डिपॉजिट हुआ था, बैंक में डिपॉजिट होने के बाद बैंक ने इसके अनसफिशियंट बैलेंस के कारण चेक बाउंस हो गया है, ठीक है, तो चेक में पैसा फंड ही नहीं था, लेकिन फिर भी तो मिस रिप्रेजेंटेशन है, या कोई फ्रॉड हो गया है आपके साथ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, या फिर कोई जानबूझकर गलती करी गई है कि चेक चेक तो पकड़ा दिया गया लेकिन उसमें अमाउंट नहीं है उतना, तो उस तरह से ये जो भी पर्टिकुलर्स हैं ये मेंशन होने चाहिए आपकी प्लीडिंग में अच्छे से, और अंडर इन्फ्लुएंस है तो कुछ भी है, तो Order 6 Rule 4 कहता है कि पर्टिकुलर टू बी मेंशन वेयर नेसेसरी। Order 6 Rule 6 कहता है कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंस मतलब जो भी प्लीडिंग में
कंडीशन है बाय प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जो भी केस है वो स्पेसिफिकली डिस्टिंक्टली स्पेसिफाइड होनी चाहिए ऑर्डर 6 रूल 6 के तहत, कंडीशन प्रेसिडेंट। अब हम डिपार्चर की बात करेंगे डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे वीडियो को, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस, लाइक अस, सो दैट यू विल गेट द अदर लेक्चर्स ऑफ अवर सीपीसी। सीपीसी लेक्चर सीरीज हमने यहाँ पे स्टार्ट की है, हम पूरी डिटेल में सीपीसी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।